जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों, जवानों, रेल कर्मियों, पेंशनरों और केंद्र के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो सर्विस में हैं या रिटायर्ड हैं, उनको एक ज़बरदस्त झटका लगा है। और ये झटका जो लगा है, इसका खुलासा हुआ दोस्तों राज्यसभा से। क्या है इसका सबूत, क्या है इसकी ऑथोरिटी, क्या ये झटका है, आइए देखते हैं इस लेटर के माध्यम से। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपके सामने एक लेटर है जिसमें राज्यसभा से निकला हुआ है, लिखित प्रश्न संख्या 689 और दिन मंगलवार 13 दिसंबर 2022 को पेंशन भोगियों को 18 माह की महंगाई भत्ता राहत का बकाया राशि जारी करना, इसके संदर्भ में है। क्या है? श्री नारायण भाई जे राठवा ने पूछा वित्त मंत्री जी से कि वो बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 18 महीने यानी जनवरी 2020 से जून 2021 तक की महंगाई राहत की बकाया राशि को जारी करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन उनको प्राप्त हुआ है या नहीं? दूसरा, यदि हाँ तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है, क्या है इसकी जानकारी वो दें। और क्या सरकार पेंशन भोगियों का 18 महीने का बकाया जो राशि है, किसकी? एरियर की, महंगाई भत्ते की, उस पर गंभीरता से विचार कर रही है? और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है, देना है या नहीं देना है? अगर नहीं देना है तो कारण क्या है? ये इन्होंने क्वेश्चन पूछे, उत्तर दिया, इनका जवाब दिया वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी द्वारा। उन्होंने कहा के और खे, यानी पहला सवाल और दूसरा, उन्होंने कहा कि यस, हाँ, उनको इस संबंध में कर्मचारियों पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठनों जैसे राष्ट्रीय परिषद JCM की तरफ से, भारतीय रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय संघ NFIR की तरफ से, अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ की तरफ से, अखिल भारतीय सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी महासंघ की तरफ से, JCOORS वयोवृद्ध संघ JOVA जो एक JCOORS की ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से, भारतीय रेलवे कर्मचारी यूनियन VRKU और भारतीय पेंशन मंच राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक समन्वय समिति की और वयोवृद्ध संघ आदि से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के बकाया को जारी करने के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी संगठनों की तरफ से 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत सर्विंग और पेंशनर दोनों के लिए इनके पास बहुत सारे अभ्यावेदन इनको प्राप्त हुए हैं। और इनकी तरफ से प्रश्न गए, क्या सरकार पेंशन भोगियों को 18 माह का बकाया जारी करने के संबंध में गंभीरता है? इस संबंध में इन्होंने क्या कहा, 1 जनवरी 2020 से और 1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 से केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की जो तीन किस्तें हैं को रोक दिया गया था, जो नहीं दी गई थी COVID-19 के कारण, जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ, इसकी पूर्ति के लिए उनकी ये जो राशि थी वो ली गई थी। जिससे वित्त मंत्रालय काफ़ी दबाव में था, इकोनॉमिक बर्डन था, खर्चे नहीं उठ पा रहे थे, इसलिए इतना इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और राहत रोकी गई थी। इसका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक रहा। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का बकाया देना व्यावहारिक नहीं समझा गया, यानी कि सरकार का कोई बिल्कुल इरादा नहीं है कि आपको 18 महीने का एरियर दिया जाएगा। ये लेटेस्ट रिटर्न में दिया गया है और 13 दिसंबर को ये राज्यसभा में जवाब दिया गया है। इस संदर्भ में ये PDF है उनके जवाब की हिंदी में और ये PDF है उनके जवाब की अंग्रेजी में। इन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा और यहाँ क्लियर बोल दिया है, इट इज़ नॉट कंसीडर्ड, यानी किसी भी तरह का कोई इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है।
तो दोस्तों ये बड़ा झटका है, जो अभी तक ये उम्मीद लगा के बैठे थे बीच बीच में, जो कहीं किसी आधिकारिक तौर पर किसी का जवाब आ जाता है वित्त मंत्रालय की तरफ से कहीं से कि इस पे कंसीडर किया जाएगा, ये आपकी मांग को आगे कंसीडर किया जाएगा, वित्त मंत्रालय में रखा जाएगा, ऐसा सब कुछ नहीं होने वाला है, ये फुल स्टॉप लग चुका है, अब आप ये उम्मीद छोड़ दें। तो दोस्तों ये थी जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ता और राहत के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी ही किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।